शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार सड़कों के किनारे पटरियों पर किए गए अतिक्रमण और प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर जुर्माना वसूला। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में मोहद्दीपुर एम्स रोड पर अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों और प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग करने वाले बेचने वालों को चेतावनी दी गई कि अगर प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करते हुए पाए गए तो जुर्माना के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रतिबंधित पॉलीथीन में ठेले पर खाद्य पदार्थ बेच रहे दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया और सड़क के किनारे कब्जा किए लोगों को चेतावनी देते हुए कब्जा हटवाया और प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त किया। इस दौरान अभियान में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, उप नगर आयुक्त अवनींद कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस प्रशासन शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये पॉलिथीन क्यों यूज कर रहे हो जब मना है? हमारे को मालूम नहीं था। मालूम नहीं है, साल भर से चल रहा अभियान, मैं पहली बार ठेला लगा रहा हूँ। इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। और इस पर फाइन लगेगी तुम्हें? बोलो, ये कागज कर ले आओ, कागज। ठीक है ठीक है साहब, आज से गलती हो, ठीक है साहब। और चलो यहाँ पर मेन रोड पे हम जा रहे हैं, जल्दी जल्दी भाई तुम्हारे साथ वोट चाहिए। वो बात हुई ना तो चाहिए क्या पूछ। शासन के निर्देशों के अनुसार शासनादेश के प्राविधानों के अंतर्गत आज नगर निगम ने पॉलीथीन का जिला प्रशासन के सहयोग से पकड़ने का अभियान शुरू किया है। उसमें 15,000 के लगभग जुर्माना वसूल किया है, पॉलीथीन भी जब्त की है। उसी अभियान को अभी तक कंटिन्यू रखा गया है और काफ़ी समय तक, जब तक ये प्रतिबंधित ना हो जाए, लोग इससे हतोत्साहित ना हो जाएं, तब तक ये जारी रहेगा। अतिक्रमण जो रास्ते में है या तालाब की जमीन पे है, उस तरह के अतिक्रमण को भी देखा जा रहा है।
सर ये जो पॉलिथीन यूज कर रहे हैं इनके लिए क्या कोई जुर्माना या इस तरह का प्रावधान है? जुर्माने का प्रावधान है, जुर्माना किया जा रहा है। क्या कहेंगे जो इस तरह का उपयोग कर रहे हैं? उनसे जुर्माना वसूलेंगे ताकि वो हतोत्साहित हो कि वो दोबारा इस तरह का प्रयोग ना करें। उसकी जगह जूट के थैले हैं, कपड़े के थैले हैं या केले की रेशों से बने हुए थैले हैं, इस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करें।